8 तारीख है और जिस दिन का इंतजार था यानी काउंटिंग डे का इंतजार था और काउंटिंग डे कल है और 3 फेजेस के चुनाव जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। जहां पर 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं उनकी जो है कल आपको पता चल जाएगा कि कहां से कौन सा प्रत्याशी जो है वो जीता है। फिलहाल अभी की लाइव तस्वीरें मैं आपको काउंटिंग सेंटर के बाहर से दिखा रही हूं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू से, जहां पर काउंटिंग सेंटर है। लेकिन आज से ही उसकी चौकसी जो है बढ़ा दी गई है, पूरी सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। और कल फिलहाल सुबह सवेरे की अगर हम बात करते हैं, सुबह सुबह जो है ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कल जो है इसका फैसला हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन अपनी सरकार बना सकता है और किसको जम्मू कश्मीर की कुर्सी जो है वो मिलने वाली है। 10 साल के बाद ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से एग्जिट पोल की बात करते हैं, आपने देखा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, आपने एग्जिट पोल की जिस तरह से बात करते हैं उसमें आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करते हैं उनका अलायंस जो है वो आगे नजर आ रहा है और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर आ रही है, तीसरे नंबर पर जो है वो पीडीपी नजर आ रही है। क्योंकि अगर महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि चाहे जीते कोई भी, लेकिन इस बीच जो है वो पीडीपी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। यानी पीडीपी को उन्होंने कंसीडर किया था कि वो सरकार बनाने वाली पार्टियों में से और पीडीपी जिसके साथ जाएगी उसकी सरकार ये बनने वाली है। और देखिए अभी से जिस तरह से अगर मैं तैयारियों की बात करूं, तैयारियां पूरी हैं और कल का दिन जो है वो अहम होगा तमाम। अगर बात करते हैं जम्मू की, अगर मैं 3 कॉलेजेस की बात करूं जिसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू एक है, अगर गांधीनगर पद्मश्री कॉलेज की बात की जाए वो दूसरा है और एमएम कॉलेज है वो तीसरा है। यहां पर जो है छुट्टियां हैं, यानी 3 दिन तक यहां पर चुनावों के चलते जो है वो छुट्टियां रहेंगी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कल जहां पर मैं हूं यहां पर जो है एक माहौल देखने को मिलेगा, तमाम कैंडिडेट्स यहां पर होंगे और कैंडिडेट्स के साथ साथ कल कौन कहां से जीत कर आएगा, कौन जम्मू वेस्ट है, कौन जम्मू ईस्ट है, कौन जम्मू साउथ, जम्मू नॉर्थ, तमाम कश्मीरी अगर सीटों की मैं बात करूं वो भी वहां से जो है उन्हें मैंडेट मिला था, उन्होंने जो है यहां पर काफी ज्यादा। लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह भी रहेगी कि आप देखिए जिस तरह से तमाम कुर्सी की हम बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ये चुनाव जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगा और इंटरेस्टिंग तो हो चुका है लेकिन ये जो कल का दिन है ना ये इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस बीच आपको बता दूं कि जम्मू में जो सीएम हाउस है उसे भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है कि जम्मू का जो सीएम होगा ऑफकोर्स उसका वो जो है रेजिडेंस पूरी तरह से सही कर दिया गया है। जो भी मरम्मत का काम था वहां पर पूरा हो चुका है, रोड जैसी जगहों पर भी जो है वो मरम्मत कर दी गई है जहां पर बड़े बड़े खड्डे जो है वो नजर आ रहे थे। यानी पूरी तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया है कि जम्मू का सीएम होगा, उसी के साथ अगर बात करते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, उमर अब्दुल्ला के काफी ज्यादा ट्वीट्स आप लोग देख रहे हैं और ट्वीट देखने के साथ साथ ये देखिए तमाम आपको गाड़ियां दिखा दूं, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं तो उमर अब्दुल्ला के काफी ज्यादा ट्वीट जो है आपको पूरी तरह से जब आप उन ट्वीट को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो है बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि जम्मू के सीएम वो हो सकते हैं और जम्मू में उनकी पार्टी जो है वो सरकार बनाने वाली है। तो लेकिन जिस तरह से 90 सीटों की अगर मैं बात करूं, 43 सीट जो है वो जम्मू में है जिनमें से अगर हम बात करते हैं 47 जो है कश्मीर घाटी में है और कश्मीर घाटी में जो है एक बड़ा जिस तरह से माहौल की बात करें वहां पर भी एक माहौल बड़ा रोमांचक रहेगा। आपने देखा वहां पर अल्ताफ बुखारी है, अल्ताफ बुखारी ने तमाम कैंडिडेट्स को मैंडेट भी दिया लेकिन अल्ताफ बुखारी की पार्टी को जो है वो खैराबाद करते हुए उनके तमाम कैंडिडेट्स जो है, आपने देखा एक कैंडिडेट वो भी थे जिन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे उमर अब्दुल्ला को। और अगर हम यहां पर जिस तरह से बात करने की कोशिश करें वहां पर पीपल कॉन्फ्रेंस है, शजाद लोन है जिनमें 1 से 2 सीटें जो है बताई जा रही हैं, अल्ताफ बुखारी की बात करें बताया जा रहा है 1 से 2 सीटों पर वो भी है, इंजीनियर रशीद की बात करते हैं इंजीनियर रशीद जो है इस बार सारा फोकस जो है चाहे वो आम जनता हो चाहे वो कुछ भी हो चुनावों का, इंजीनियर रशीद जो है आपने देखा कि एक मेन जो है यहां पर उन्होंने रोल प्ले किया और काफी ज्यादा जनता को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करके रखा। इंजीनियर रशीद की अगर हम बात करें कुछ सीटें उनकी भी है, हालांकि उतनी सीटें नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू से दिखाई दे रही है, जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की दिखाई दे रही है और पीडीपी की दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री हो या साथ में मिलकर हो ये पार्टियां भी एक रहम और रोल प्ले कर सकती हैं। और इस बीच एक जो बड़ी गुगली है वो गुगली है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगर हम बात करते हैं तो 5 इख्तियार उनके पास है, यानी 5 बंदों को वो जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो सोचिए 90+5 का आंकड़ा जो है वो 95 में पहुंच जाता है और 95 का आंकड़ा 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आंकड़ा होगा जिसमें 2 महिलाओं को भी इस बार भागीदारी मिलेगी कि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पहले थे, जिस तरह से यहां पर जो एमएलए की दावेदारी प्रस्तुत कर सकती है। तो इसमें देखने वाली बात यह होगी कि जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों ने 10 साल से इंतजार किया, 10 साल बहुत ज्यादा जो है एक वास्ट पीरियड रहता है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब इसका इंतजार किया तो उन्हें इस बार ये था कि अगर जम्मू का सीएम होगा तो जम्मू की सारी मांगे पूरी होंगी, जम्मू में बेरोजगारी या जम्मू की बेरोजगारी जो है वो खत्म होगी,
जम्मू की बेरोजगारी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जम्मू की तमाम चीजें जो है वो दुरुस्त होंगी, लेकिन अब यहाँ पर यह होगा कि जम्मू कश्मीर के सीएम के पास जितनी भी पावर्स थी वो आधे से ज्यादा पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। यानी अगर चाहे भी तो जम्मू का सीएम बन के भी जिस तरह से पहले काम होते थे उतने काम जो है इस बार देखना पड़ेगा कि हो सकेंगे या नहीं। फिलहाल ये सिनेरियो आप देखिए, यहाँ पर अगर एक सिरे से दूसरे सिरे पर आप देखें जो आपको ये सिक्योरिटी दिख रही है, कल से इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और सुबह काउंटिंग शुरू होगी, फिर काउंटिंग तब तक चलेगी जब तक इन सीटों के चुनाव जो है घोषित नहीं हो जाते। लेकिन ये जम्मू की जो काउंटिंग है ना, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि देखने वाली बात ये होगी कि जो कांग्रेस ने एक बड़ा फेरबदल किया है ना, जहां से हम टोनी जी की बात करते, टोनी जी यहां से थे, और आरएसपुरा बेल्ट की बात करें, सुजेतगढ़ बेल्ट की बात करें, वहां पर जो है आपने देखा कि रमन भल्ला थे, और जिस तरह से अभी बात करने की कोशिश करते हैं तो इन सीटों के ना जो नतीजे आएंगे ना वो खुद में भी लोगों को हैरान करेंगे, और लोग जो हैं वो कल जुड़े भी रहेंगे। फिलहाल अगर आपको कल की पल पल की अपडेट देखनी है कि जम्मू में कौन जीता, किसकी कुर्सी किसके सर पर सजेगा ताज और कौन मना रहा है जश्न, इसके लिए आपको जम्मू लोटे न्यूज को लाइक करना होगा। पल पल की अपडेट आपको कल सुबह सवेरे से देना शुरू करेंगे, और तमाम अपडेट जब तक पूरा टोटल नहीं हो जाता और जब तक किसके हक में ज्यादा लोगों ने वोट किया वो पता नहीं चल जाता, आपको अपडेट देने से हम नहीं रुकेंगे। जाने से पहले जम्मू लोटे न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।